हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी बज रहा है शाम का 7 और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के 7 बजे से हो रही है। और आज बहुत भयंकर ठंड है, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड है। मैंने तो इनर स्वेटर मतलब कि कपड़े बहुत अच्छे से पहन रखे हैं। आज मतलब ठंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, डेली से ज़्यादा ठंड है आज, मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल आग हम लोगों का ना आज शाम को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हम लोग का ऐसा प्लान हुआ कि चलो आग जलाते हैं और थोड़ा सा हाथ सेकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो अभी घर में कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी, मैंने बोला चलो ठीक है बाहर से जो है लकड़ी जला लेते हैं, फिर जब आग पक जाएगी बढ़िया तब उनको अंदर लेके आ जाएंगे। लेकिन तब तक निक्षु आ गए थे ड्यूटी से, तो निक्षु बोले चलो आज हम लोग भवरिया बनाते हैं, जो आटे की भवरिया बनती है ना उनको फिर पकी हुई आग में सेकते हैं। तो बोले चलो आज हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बढ़िया हाथ भी सेकेंगे, मतलब आग भी ताप लेंगे और चूल्हे का बना हुआ खाना खाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है शिवानी ने सारी तैयारी कर ली है और बगल में एक बार आपको दिखा चुकी हूँ, बगल में हमारी जो मौसी सासू माँ है उनका घर बन रहा है, यानी निशु शिवानी का घर बन रहा है बगल में, तो उसमें काम चालू है। तो सोचा कि मतलब निशु ने ही बोला चलो बगल वाले घर, निशु के घर में चलते हैं, वहाँ पे आग जलाएंगे बढ़िया, वहाँ पे बनाएंगे चूल्हे पे खाना। भवरियाँ बनती हैं या मोटी मोटी रोटियाँ बनती हैं हाथ वाली, हथपई जिनको बोलते हैं, क्या बनता है। तो फिलहाल शिवानी ने सारी तैयारी की है, चलो शिवानी की हेल्प करते हैं। वहाँ पे जो है ना मम्मी आग जला रही हैं, मम्मी और निशु मिलके जो है ना आग जलाने में लगे हुए हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं। और मैं और शिवानी यहाँ पे सारा सामान लेकर आए हैं कि क्या सामान है, सब लेके वहाँ चलते हैं। तो चलो सामान वहाँ लेकर चलते हैं। और फिलहाल मौसी का घर में काम चालू है, टाइल्स वगैरह लग रहे हैं और किचन में सारा काम हो रहा है और टाइल्स वगैरह का काम हो रहा है ना, तो सारा सामान इधर उधर बिक रहा है। हाँ सो गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं निशु के घर पे और अभी हम लोग छत पे हैं। तो ये देखो ये छत, और रोशनी थोड़ी कम है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही बल्ब लगा रखा है, तो इस वजह से रोशनी थोड़ी कम है। वो भी हम लोगों ने बहुत इंतजाम किया है, है ना। अभी पापा ने कितना सारा इंतजाम किया ना अभी पापा। हाँ पापा, तो निशु ने सारा लाइट वगैरह लगाई तब वो जो है ना अच्छे से हो पाया। और देखो शिवानी ने कितना बढ़िया चूल्हा जला दिया है, वेल डन शिवानी, वेल डन। आज शिवानी हम लोगों को, आज शिवानी हम लोगों को अपने घर में दावत दे रही है, बिल्कुल देसी खाना बनाएगी आज। गाइस, तो आज हम लोगों का ना मोटी रोटी खाने का मन था, वैसे ठंड बहुत ज्यादा थी तो हम लोग सिर्फ जो है ना आग जो है ना तापने के लिए जलाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सबका प्लान बना कि चलो मोटी रोटी बनाई जाए चूल्हे पे। तो यहाँ पे देखो शिवानी ने कितना बढ़िया चूल्हा जला दिया और यहाँ पे रोटियां भी बननी शुरू हो गई हैं। और रोटी पता है ना मिस्सी रोटी टाइप यहाँ पे बन रहा है, आटे में शिवानी ने बेसन मिलाया है, मतलब जो है सोंधा आटा गूंथा है, बेसन वगैरह है, थोड़ा बहुत मसाला है इसमें, वो सारा गूंथ के जैसे मिस्सी रोटी नहीं बनती है उस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे एक साइड किनारे बैठ के जो है ना हाथ से पानी लगा लगा के पै रही थी, हमारे यहाँ हथपई बोलते हैं इनको, तो मम्मी जो है ना हाथ से पानी लगा लगा के इनको बना रही थी और शिवानी जो है ना सेक रही थी। तो शिवानी ने देखो कितना बढ़िया चूल्हा जलाया और बहुत बढ़िया फूली फूली कुरकुरी कुरकुरी रोटी सेक रही थी। तो यहाँ पे ना, और साथ में आज ठंड बहुत ज्यादा थी ना, तो आग के सामने, तो आग के सामने बैठी हुई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था आग के सामने बैठ के। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो जो है ना हाथ वाली जो मोटी रोटी होती है, एक साइड देखो नीसू भी हम लोग का वीडियो और फोटो ले रहे हैं, तो जो हाथ वाली रोटी होती है ना इसके साथ अगर सरसों का तेल हो और धनिया लहसुन मिर्च वाला नमक हो ना तब तो खाने का मजा ही आ जाए। तो यहाँ पे मैं मम्मी और शिवानी से बोल रही थी कि आप लोग रोटी बनाओ, तब तक मैं घर जाके जो है धनिया और हरी धनिया हरी मिर्च और ढेर सारा लहसुन डाल के नमक पीस कर लेकर आती हूँ और साथ में लेकर आती हूँ गुड़। तो शिवानी कह रही थी हाँ भाभी जाके नमक लेकर आ जाओ ना, तो उसके साथ तो खाने का मजा ही कुछ और ही होगा, मतलब खाने में स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो मम्मी हाथ से पै रही है रोटी, शिवानी बढ़िया सेक रही है। तो यहाँ पे मैं जो है और निशु और अभी आराम से हम लोग का फोटो और वीडियो ले रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ना मौसी की जो है ना, मौसी का मेरी नया घर बन रहा है तो उनकी हम लोग छत पे बैठे हुए हैं अंटिया पे। तो यहाँ पे देखो कितना मस्त मजा आ रहा है, बिल्कुल आज गाँव वाला फील आ रहा है। हमारे गाँव में तो फिलहाल आज भी खैर चूल्हा जलता है और कभी कभी चूल्हे पे ही खाना बनता है, पहले तो डेली खाना बनता था चूल्हे पे लेकिन अब कभी कभी बनता है क्योंकि अब हर जगह गैस अवेलेबल हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पे हाथ की बनी जो चूल्हे की रोटियां देखकर ना भूख इतनी जोरों से बढ़ती जा रही थी कि मन कर रहा था बस तुरंत जो है खाना शुरू कर दे। सो गाइस, तो फिलहाल शिवानी और मम्मी जो है रोटियां बनाने में लगे हैं, बढ़िया गर्म गर्म फूली फूली, हथपई बोलते हैं हमारे यहाँ उनको, मतलब मोटी रोटी, यहाँ पे मोटी रोटी भी बोलते हैं और हथपई बोलते हैं। हाँ मम्मी, ठीक ठीक ठीक,
तो हमारे यहाँ उनको बोलते हैं हाथ पाई, तो शिवानी और मम्मी बना रहे हैं और क्या गजब की मोटी मोटी और फुली फुली रोटियाँ बन रही है। मुँह में पानी आ रहा है, देख के मन कर रहा है तुरंत ही खाने लग जाओ। तो फिलहाल चूल्हे की रोटियों में ना तेल और लहसुन वाला जो नमक होता है वो खाने में मज़ा आती है। तो मम्मी जो है जब तक बना रही हैं तो मैंने कहा चलो तब तक हम जो है फटाक से जो है वो लहसुन वाला, लहसुन हरी मिर्च और जो धनिया वाला नमक होता है ना हम वो पीस कर लेके आते हैं, तभी जो गर्मा गर्म जो हथपई रोटी है ना उनको खाने का मज़ा तभी आएगा वो लहसुन वाले नमक के साथ। तो फिलहाल चलो नमक की फटाफट तैयारी कर लेते हैं और फटाफट जो है ना हम लहसुन वाला धनिया वाला नमक पीस लेते हैं क्योंकि तभी मजा आएगा। धनिया लहसुन वाला नमक, सरसों का तेल और मोटी मोटी हथपई रोटी, यमी। चलो फटाफट बनाते हैं, जल्दी से नमक पीस के ले चलते हैं वरना वरना शिवानी वहाँ फटाफट सारी रोटियाँ बना डालेगी। तो तैयारी करते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने घर पे और यहाँ पे आके मैं जो है ना किचन में लग गई हूँ धनिया लहसुन मिर्च वाला नमक पीसने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लहसुन की ढेर सारी कलियाँ छील कर रख ले रही हूँ। फिलहाल आजकल जो है ना लहसुन बहुत महंगा हो रखा है, जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है लहसुन के दाम भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना मैं एक पूरा जो आड़ी लहसुन होता है ना वो पूरा लहसुन छील ले रही हूँ क्योंकि जो धनिया मिर्च वाला नमक होता है ना उसमें लहसुन जब ज़्यादा होता है ना तभी जो है ना उसको खाने में स्वाद आता है, तभी मज़ा आती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना एक आड़ी पूरा लहसुन छील लिया और लहसुन भी अच्छा वाला था जो मोटे जवे वाला होता है। और हरी पत्ती धनिया हमारे पास ढेर सारी थी जो कि आज सब्जी मंडी से ही आई थी, बिल्कुल हरी हरी बिल्कुल फ्रेश धनिया थी। तो ये देखो यहाँ पे एक आड़ी लहसुन मैंने जो है ना छील लिया है और यहाँ पे हरी मिर्च भी ढेर सारा हरी मिर्च ले रही हूँ क्योंकि नमक ना खूब तीखा तीखा हो कि जब खाने के बाद ना कम से कम जवान जब तक जले ना तब तक लहसुन वाला नमक खाने में मजा नहीं आती। और ये रही हमारी बिल्कुल फ्रेश हरी धनिया, तो यहाँ पे मैं ढेर सारा नमक पीस कर रख ले रही हूँ क्योंकि बाद में भी काम आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी के लिए बाद के लिए भी कि मतलब हफ्ते भर ये नमक चले। और धनिया लहसुन वाला नमक खाने के साथ होता है ना तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है और खाना हम इसी बहाने ज्यादा खा लेते हैं। तो हमारे घर पे सिलबट्टा भी है लेकिन सिलबट्टे पे ना पीस कर मैं सीधा ये देखो मिक्सी का छोटा वाला जार है इसी में लहसुन छील कर डाल दिए, ढेर सारी हरी मिर्च डाल दी है, हरी पत्ती धनिया छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया और मिक्सी पे इस तरीके से चला ले रही हूँ। और इसमें नमक में ना मैंने सरसों का 2 चम्मच तेल भी डाला हुआ है ना, लहसुन वाले नमक में सरसों का तेल भी आप डाल लीजिए बहुत भी बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल भी डाला हुआ है और बढ़िया मिक्सर में जो है ना अच्छे से जो है हमारे धनिया मिर्च लहसुन वाला जो नमक, ये देखिए सरसों का तेल डाल रही हूँ, तो सरसों का तेल भी डाल लिया और हल्का सा बिल्कुल दरदरा सा बिल्कुल मतलब बिल्कुल महीन नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा नमक रखा है। और बढ़िया यहाँ पे धनिया लहसुन वाला नमक भी पीस कर तैयार कर लिया है मैंने। तो फिलहाल ये देखो धनिया लहसुन वाली चटनी पीस कर आ गए हैं लेकर। चाबी मम्मा, चाबी तुम्हें चाबी दिख गई, हम जिस दिन बोलते खाना नहीं खाएंगे। और इधर देखो धनिया लहसुन वाला नमक भी रेडी हो गया है, इधर रोटियां भी बनके तैयार हो गई है और इधर अभी। हाँ मम्मी नमस्ते। सो गाइस तो देखिए कितनी सारी रोटियां बन गई हैं, बढ़िया धनिया मिर्च वाला लहसुन वाला नमक, गरम गरम फुली फुली हाथ पाई रोटियां। ये बढ़िया इधर चूल्हे में भी सिक रही हैं, बाकी हैं। तो फिलहाल रोटियां बन गई, चलो नीसू को लगा के देते हैं गरम गरम रोटी सब्जी और नमक, नीसू को देते हैं लगा के। यहाँ पे देखो मैं नमक पीस कर लेकर आ गई हूँ और उतनी देर में मम्मी और शिवानी ने कितनी सारी रोटियां बना डाली। तो यहाँ पे हमारे पास धनिया वाला नमक है और दोपहर की आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाई थी हमने, ग्रेवी वाली सब्जी है तो यहाँ पे ये, और ये साथ में मम्मी निकाल रही है मक्खन क्योंकि मोटी रोटी ना मक्खन के साथ या घी के साथ खाने में मजा आती है। और ये जो मक्खन है ना हमारे घर का बना हुआ बिल्कुल फ्रेश मक्खन है जो कि आज ही दोपहर में निकाला गया है। तो यहाँ पे निशु की थाली लग रही है क्योंकि निशु को जो है, निशु भी जो है ना बिल्कुल गरम गरम चूल्हे से निकलती हुई रोटियां खाते हैं और जो मोटी मोटी रोटियां होती है ना ये जब चूल्हे से बिल्कुल फूली फूली गरम गरम निकलती जाए ना तभी खाने में अच्छी लगती है, तभी स्वाद आता है। तो निशु की थाली लग चुकी है, देखो एक साइड निशु खा रहे हैं दूसरी साइड मम्मी ने भी खाना खाना शुरू कर दिया है और मम्मी बोल रही थी कि अब तुम लोग भी जो है ना अब आखिरी रोटी बची है और सारी आग बाहर निकाल लो और एक एक रोटी पकी आग पर रख दो, धीमे धीमे कुरकुरी होती रहेगी और तुम लोग भी गरम गरम खाते जाओ क्योंकि रोटियों को ना गरम गरम खाने में ही मजा आएगी बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी। तो बस यहाँ पे जो है ना एक एक रोटी हम लोग
इस तरीके से सेकते जा रहे थे और कुरकुरी कुरकुरी चूल्हे से निकाल कर हम लोग खाते जा रहे थे, और दूसरी रोटी फिर जो ठंडी रोटी थी ना उसको फिर हम लोग चूल्हे में ऐसे ही लगा दे रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग का खाना बढ़िया से हो गया। आज तो मोटी रोटी खाने में कसम से मजा ही आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आया आज। और ऐसा खाना ना सारे खानों से ये खाना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। फिलहाल अभी बज चुका है रात का 9 और हम लोगों का खाना आज हो गया जल्दी। तो आज काफी दिनों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो है ना 8:30 बजे हम लोग खाना खा चुके थे, और खाना खा के जो है ना हम लोग टहल के भी आ गए, मम्मी भी टहल के आ गई है। तो फिलहाल आज की रोटियां बहुत ही बढ़िया बनी थी, तो मम्मी भी टहल के आ गए और खाना खा के एक एक वॉक करके हम लोग भी आ गए। और 9 बज रहा है, 9 बजे हम लोग आ गए खा पी के टहल के घर के अंदर। और सच में आज जो खाना हम लोगों ने खाया है ना, लहसुन वाला नमक सब्जी मोटी रोटी चूल्हे वाली, बिल्कुल उनके आगे तो सिर्फ पनीर की सब्जी हो या कोई भी सब्जी हो सब फेल है, सब बेकार है। तो फिलहाल खाना वगैरह खा के अब घर के अंदर आ गए हैं, अब तो पेट इतना ज़्यादा भर गया है ना। हाँ, गुड़ रोटी भी खाई थी लास्ट में, पेट इतना ज़्यादा भर गया है ना कि मन कर रहा है बिस्तर लगा हुआ है लेटो और सीधे सो जाओ, बहुत तेज बिल्कुल नींद आ रही बहुत तेज अब। लेकिन खाना बहुत औसम था। किसी दिन फिर जो है हम लोग प्लान करेंगे, तो उस दिन हम लोग बनाएंगे बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बनाएंगे और साग बनाएंगे। तो फिलहाल चलो आज का तो ब्लॉग ये छोटू सा मिनी सा ही रखते हैं, बस आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, अचानक से हम लोग का ऐसे ही प्लान बन गया। किसी ने बोला कि चलो जो है ना, हमने बोला कि चलो मम्मी आग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि आज मैंने बालों में लगाई थी मेहंदी, तो शाम को मैंने 5 बजे हेयर वॉश किया, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मम्मी जो है आग जलाते हैं, तो निशू ने कहा चलो आग जलाएंगे तो उसमें रोटियां भी बना लेंगे बढ़िया। तो ऐसे ऐसे करते प्लान बढ़ गया, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया खाना खाने में। सच्ची में बहुत दिनों के बाद लग रहा है अच्छा खाना खाया है। तो बस चलो आज का ब्लॉग ऐसे ही छोटू सा है, आज ब्लॉग का कोई इरादा नहीं था, बस सोचा कि चलो भाई छोटे छोटे जो मोमेंट होते हैं ना फैमिली के साथ में, यही जो है ना ढेर सारी खुशियाँ देकर जाते हैं। तो बस मौसी का घर बगल में बन रहा है ना, तो सोचा चलो वहीं पे ईंटें रख के चूल्हा बना लेते हैं, तो ईंटें रख के वहीं पे चूल्हा बन गया और वहीं पे हम लोगों ने फटाफट जो है ना बना के खा लिया। तो फिलहाल छोटा सा ब्लॉग भी बना लिया कि हमारा था ये फैमिली मोमेंट, हैप्पी मोमेंट है ना। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग के घर में भी ये मोटी रोटी बनती है चूल्हे में, गांव में तो ऑब्वियसली बनती ही होगी है ना। तो फिलहाल किसके किसके यहाँ बनती है और किसको किसको ये हाथ की हाथ पई मोटी रोटी पसंद है खाना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, चलो वीडियो स्टॉप करते हैं और घुस जाते हैं बिस्तर में। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।